पलवल के कैंप थाना क्षेत्र में कई सालों से चलाए जा रहे कथित अवैध नशा मुक्ति केंद्र में उपचार के दौरान एक युवक की मौत हो गई। युवक की मौत ने जिला प्रशासन पर कई सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। दरअसल पलवल की कृष्णा कॉलोनी निवासी अनीता देवी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उसका पुत्र विजय शराब का आदि था, जिसके इलाज के लिए उसे रामनगर में स्थित नशा मुक्ति केंद्र संचालक सुंदर पोसवाल के हवाले किया था और उनकी तय फीस भी दी गई थी, जिसके बाद भी केंद्र संचालक ने हजारों रुपए पीड़िता पर बकाया बताया। 4 महीने तक विजय नशा मुक्ति केंद्र में रहा, लेकिन केंद्र से निकलते ही विजय ने अपनी मां को बताया कि उसे यहां पर पिछले 5-7 दिनों से काफी टॉर्चर किया गया और पेट में दर्द की भी शिकायत बताई, लेकिन संचालक ने इन आरोपों से इनकार कर दिया, जिसके बाद पीड़िता अपने पुत्र को लेकर अस्पताल पहुंची, जहां चिकित्सकों ने पीड़िता के पुत्र विजय को मृत घोषित कर दिया। पीड़िता का आरोप है कि उसने अपने पुत्र को नशा मुक्ति केंद्र के हवाले इसलिए किया था ताकि वह नशे से मुक्त हो सके, लेकिन किसी को इतना टॉर्चर करना कि उसकी जान चली जाए, ये कहां का न्याय है। पीड़िता ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपी संचालक के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है और साथ ही मुआवजे की भी मांग की है। लड़के को ले जाओ और इसकी तबीयत ज्यादा खराब है, उसे दिखा ले। मैं वहाँ से चले गई तो बोले मम्मी मेरी तबीयत खराब है, तो सुंदर भाई बोले कि आए ना क्या तू, वैसे ही माँ के लाड़ में बोले आए तो तू तो ठीक है, तू मक्कड़ बना रहा है। मैंने कुछ नहीं बोला, बाहर आके बोला मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मैंने फिर कहा गाड़ी वाले से, मैंने कि भाई को इसे ले चल, मैं यहाँ पे लाई तो रस्ते में दीपक डॉक्टर साहब को मैं देखने गई, कोई नहीं थी। कितनी उम्र थी उसे? 25 साल। 25 साल। कितने टाइम से यहाँ था नशा मुक्ति के? पहले नशा मुक्ति के तक था, पहले तो 4 महीने से मैं निकाल लाई, 4 महीने वहाँ था। तो मैं बीच में ले आई थी, वो बीमार हुआ था, बीमार हुआ था वो, मैंने फिर ठीक करवा के फिर दारू पीने लगा। दारू पीने के बाद ऐसा हुआ कि फिर मैंने दोबारा कर दिया, तो अब 2 महीने हुए उसे। तो मारपीट भी थी उसके साथ? हाँ, जब मारा मात लाई थी मैं गाड़ी में बैठ गए तो जब कह रहा था कि मम्मी मुझे 5 दिन मारा था उन्होंने। अच्छा, अब पता नहीं उन्होंने लात मारी, पता नहीं क्या मारा, मेरे को नहीं पता क्या करा उन्होंने, पर मेरे ये पेट फूलो, मेरे दर्द हो रहे, पता ही नहीं। मैंने फोन के चक्कर में कि मम्मी को बुला दो, सोई मारते थे। वहीं इस मामले को लेकर कैंप थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह का कहना है कि मृतक युवक की मां की शिकायत पर नशा मुक्ति केंद्र संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है। गौरतलब है कि जिस तरह बिना कोई बोर्ड लगाए नशा मुक्ति केंद्र कई सालों से चलाए जा रहे हैं, क्या इन नशा मुक्ति केंद्रों को चलाने के लिए कोई सरकारी अनुमति की जरूरत नहीं होती? क्या कोई भी 4 लोग इस तरह के नशा मुक्ति केंद्र खोल आमजन को लूट सकते हैं? आखिरकार जिला स्वास्थ्य विभाग या पुलिस विभाग सहित संबंधित विभाग की नज़र इन पर क्यों नहीं पड़ती, जब बिना डिग्री के देसी दवाई से इलाज करने वाले झोला छाप डॉक्टरों पर छापेमार कार्रवाई होती है, फिर भी आखिरकार ये लोग बाहर कैसे है? ये कृष्णा कॉलोनी का विजय नाम का लड़का है, उम्र करीब 27 साल, ये नशा का आदि था, तो इनके परिवार वालों ने नशा मुक्ति केंद्र पलवल में जो रामनगर में था उसमें एडमिट कराया था। कई महीने से एडमिट था, तो 4-5 महीने एडमिट रहने के बाद फिर घर आ गया था, उसके बाद 2-4 दिन घर रहने के बाद फिर एडमिट करा दिया। इसका छोटा भाई वहीं एडमिट था। अब इसकी 2 दिन पहले तबीयत खराब हुई थी, इन्होंने इनको फ़ोन कॉल किया, तो इसकी माँ कल इसको लेके आई थी, इसके छोटे भाई को भी लेकर आई थी, और फिर इसकी तबीयत खराब होगी तो ये पलवल में लेके आए थे, यहाँ से हायर अथॉरिटी के लिए रेफर कर दिया, रास्ते में इसकी मौत हो गई। कौन कौन सी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है? 4 IPC के तहत मुकदमा दर्ज किया है नशा मुक्ति केंद्र मालिक के खिलाफ। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो जाँच में जो आएगा उसके साथ कार्रवाई। किसी आरोपी की गिरफ्तारी हुई है अभी? नहीं, अभी। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।